You're a superhero. तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीटेक पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डीजीटी के ओर से जो नोटिस जाहिर किया गया था उसी के बारे में। मैं बिल्कुल आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और जो लेटर है उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, हाल ही में आईटीआई का रिजल्ट के सभी राह देख रहे हैं, काफ़ी देर हो चुका है पर आईटीआई का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। तो दोस्तों, आखिर क्यों ऐसा? तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आखिर क्या है वो लेटर वो देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो लेटर आया है उसमें बताया गया है कि जो कि लेटर है देख लीजिएगा, ऊपर में लिखा हुआ है, ऊपर ही दिया हुआ है जो कि लेटर आया है जो अपना वो डीजीटी डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग की तरफ से ही आया है जो कि न्यू दिल्ली के इससे आया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें आखिर ऐसा क्या है तो जानेंगे। तो वहाँ पे पहला ही पॉइंट है, देख लीजिएगा, द डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग हैज़ कंडक्टेड द AITT 2020 इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 एंड सस्पेंटली वेंट अहेड डिक्लेयर द रिजल्ट इन द लास्ट वीक ऑफ मे। तो दोस्तों, यहाँ बताया गया जो भी 2018 अप्रैल में जिसकी भी एग्ज़ाम ली गई थी, जो 2018 में जो एडमिशन हुई थी उनका रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया गया है। तो दोस्तों, उसके बारे में बताया। और जो सेकंड है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, इट हैज़ बीन डिसाइडेड ऑफ कंपोनेंट अथॉरिटी दैट सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर दिस ट्रेनिंग हु फेल्ड दिस एग्जाम वुड बी हेल्ड प्रोबेबली विद इन 16 डेज डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। Also, the trainee who could not appear this examination along with the failed trainee from previous examination also get chance appear in the examination. तो दोस्तों, यहाँ पे सेकेंड इसमें बताया गया है दोस्तों कि जो भी ट्रेनी फेल होता हो, जो अभी CBT एग्जाम ली गई थी, या फिर जिस ट्रेनी को लग रहा है कि मैंने पेपर बहुत ही अच्छा सॉल्व किया था लेकिन मुझे कम मार्क आ रहे हैं, तो आपके लिए एक वहाँ पे जो रिजल्ट देखते हैं वहाँ पे एक गिव एंड राइज वहाँ पे एक आपको दो ऑप्शन मिलते हैं रिजल्ट के नीचे में, एक्सेप्ट और गिवन ग्रीवेंस करके एक ऑप्शन है, तो उससे आप अपील कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि जो मैंने पेपर सॉल्व किया था मुझे इतने मार्क नहीं मिल सकते और जो आपके मार्क है आपको बराबर वापस से पेपर जो है रीचेकिंग किया जाएगा और वापस से आपके मार्क जो है आपको मार्कशीट पे दिए जाएंगे। तो दोस्तों, और थर्ड लिखा हुआ है, इन व्यू ऑफ द अबाव यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड प्रोवाइड यूर कन्विंस टू कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन इन द लास्ट वीक July 2021। और दोस्तों, जो भी एग्जाम में फेल हो चुके हैं या फिर जिनकी एग्जाम हुई नहीं थी आईटीआई की, तो उनकी जो एग्जाम है जुलाई के लास्ट जो वीक है उसी में कंडक्ट होने वाली। दोस्तों, अगर आपकी एग्जाम नहीं हुई थी दोस्तों तो आप तैयारी पर लग जाइए, क्योंकि जो आपकी एग्जाम है वो जुलाई के लास्ट वीक में होने वाली। दोस्तों, 22 जुलाई से सिलेबस टाइम टेबल है, इसलिए पहले की जो वीडियो है मैंने उसमें बता चुका, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके पहले देख लीजिए। और यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है दोस्तों, तो आई होप आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अगर आपने पेपर नहीं दिया है तो आप तैयारी पर लग जाइए, अगर आपने पेपर दे चुके और आपका रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं आया है तो आप वहाँ पर जो NCVT की साइट है उस पर आप एक अपील कर सकते हैं। और आई होप दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो तो थैंक यू।